और इसी बाइडेन तरीके की सर विजिट से बड़े फैसलों के आसार भी नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा आप मिलिट्रीली काउंटर कर पाए सर, इस वक्त की बड़ी खबर एक ले, सायरन बज चुका है रूस की परमाणु धमकी पर। इस वक्त की लेटेस्ट जानकारी यह आई है कि परमाणु हमले का जवाब अमेरिका और नेटो मिलकर देंगे। अमेरिका नेटो ने मिलकर रूस को जवाब देने का प्लान बना लिया है, रूस के लिए लॉन्ग टर्म प्लान अमेरिका बनाएगा और इसकी तैयारी कर चुके हैं अमेरिका और नेटो देश। बिल्कुल, और इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, बाइडेन के दौरे से पहले एक्शन में अमेरिकन आर्मी नजर आ रही है। जी हां, पोलैंड में यूएस आर्मी बेलारूस बॉर्डर की तरफ रवाना की गई है। अमेरिकी झंडों के साथ आर्मी बेलारूस बॉर्डर की तरफ रवाना हुई है। ऐसे वक्त में जब जो बाइडेन के यूरोप दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं वो पोलैंड पहुंच रहे हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि यूक्रेन की सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं जो बाइडेन, इस मूवमेंट के मायने और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वॉर जोन से एक के बाद एक अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, लगातार 28वें दिन यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। कीव के पास ब्रोवरी में रशियन आर्मी की जबरदस्त बमबारी हुई है। रूस की बमबारी में कई इमारतें और फैक्ट्रीज तबाह हो चुकी है। रूस ने सिविलियंस की बसेस को भी निशाना बनाया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस बीच देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, बाल बाल बची यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान। जेलेंस्की की हत्या की कोशिश को किया गया नाकाम, यूक्रेन की तरफ से यह दावा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह सनसनीखेज दावा किया है। रूस से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया है। तो जेलेंस्की की हत्या की कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, यह यूक्रेन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। ऐसी कोशिश एक बार फिर से की गई और इसकी आशंका अमेरिका पहले जता चुका था। आइए देख लेते हैं कि जेलेंस्की की हत्या का पूरा प्लान क्या था जिसे विफल कर दिया गया है। दरअसल जेलेंस्की की हत्या की कोशिश नाकाम रही, ये यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा कर दिया है। यूक्रेन की उज़होरो शहर में कथित हत्यारा जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति एक रूसी आतंकी समूह से टेररिस्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि जेलेंस्की को मारने के लिए कई हत्या दस्ते भेजे गए थे। 25 रूसी सैनिकों का एक समूह भी कीव में घुसने की तैयारी में है और हथियारों की यूक्रेन आर्म फोर्स की वर्दी में कीव में घुसने की योजना, और इसी योजना के साथ ये ग्रुप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई जिसे नाकाम कर दिया गया। इस बात की आशंका सर अमेरिका पहले ही जता रहा था, लेकिन इसी बीच में कई डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। पहले परमाणु बम की बात होने लगी, उसके बाद बताया जाने लगा बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जा रही हैं, फिर अभी लेटेस्ट स्पेस वॉर की बात आई, अब जेलेंस्की की हत्या। इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे या सिर्फ ये सब दावे और बातें? देखिए ये वॉर जोन है, वॉर जोन से इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है। ये हो सकता है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है, और जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें एक स्नाइपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरीके के विशेष दस्ते लॉन्च किए जाते हैं जो कि वहाँ लीडरशिप और वहाँ के जो मिलिट्री हायरार्की को टारगेट करते हैं, तो ये एक वॉर का हिस्सा है। इसको बहुत ज़्यादा इसके माने मतलब नहीं निकालने चाहिए। जो भी विधाएँ हैं युद्ध की वो सारों का इस्तेमाल हो रहा है इस समय। जी हाँ, देखिए ये लीडरशिप का एलिमिनेशन या चेंज ऑफ लीडरशिप भी एक वॉर का हिस्सा है। जैसा कि रशियन आर्मी का मकसद था डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, लीडरशिप का चेंज करना, उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो नाटो की तरफ जा रही थी उसको बदलना और साथ में एक वहां पे सत्ता परिवर्तन करना, ये सारा युद्ध का हिस्सा था। यानी प्रोफेसर कपिल कुमार, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, इस खबर को खारिज नहीं किया जा सकता कि रूस आतंकियों की मदद ले रहा है, जेलेंस्की को एलिमिनेट करने की तमन्ना है। भाई रूस आतंकियों की ले रहा है, इंग्लैंड वाले पुतिन के मर्डर करने को भेज रहे हैं, हैं तो ये तो, और उधर कह रहे हैं नाटो पीस फोर्स जाएगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि नाटो पीस फोर्स ये कैसे भेज रहे हैं। अभी तक गांधी आश्रम को इन्होंने 1,00,000 खद्दर के कुर्ते पजामे तो सफेद का ऑर्डर दिया नहीं है, गांधी चरखों का तो ऑर्डर दिया नहीं है, तो ये कौन सा पीस फोर्स वहां पे जा रहा है नाटो का, जो है वहां पे जाकर के जा रहा है ये तो। और एक बात और मैं लास्ट कहना चाहता हूं, ये जो कहते हैं कि रूस का स्टेटमेंट आया है कि हमारे अस्तित्व को अगर खतरा होगा तो हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे, मुझे ये बताइए कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम गिरे थे अमेरिका ने, उन डेट्स को अमेरिका के अस्तित्व को कौन सा खतरा था दुनिया के अंदर?
बिना अपने अस्तित्व के खतरे हुए नरसंहार किया था अमरीका ने, उसका जिक्र क्यों नहीं कोई करता? सर, लेकिन उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जापान सरेंडर कर दिया है 10 अगस्त को, 6 और 8 अगस्त को डाले गए, जर्मनी सरेंडर कर चुका है। लौट रहे आपके पास, लौट रहे एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आ रही है, मद्देनजर रखना पड़ेगा। कपिल सर आ रहे, लेकिन उस समय जब आपके इस तरीके के दस्तों पे इतना भारी नुकसान पहुंचाया गया, उनके जब अमेरिका के ऊपर एक बड़ा अस्तित्व का खर्चा उस समय आया था, क्योंकि उनकी जो फोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया गया था, इसलिए वो लंबी चर्चा करेंगे। एक अपडेट आ गई है, वो पहले शेयर कर दें।